बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आईआईटी के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में अगर आप क्लास इलेवेंथ में हो तो आपके ही चैप्टर्स की एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन लिया गया है। हालांकि ये नीट और आईआईटी में हर हमेशा पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मेंशन द रिक्वायर्ड कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी होगी जिनसे कि हम अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमोनिया का जो फार्मेशन होता है वो हैबर प्रोसेस से होता है। तो दो कंडीशन होते हैं जिनसे आप हैबर प्रोसेस में दो कंडीशन लगा करके आप अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। पहला आप कौन सा प्रोसेस लगा सकते हो, पहला हाई प्रेशर, प्रेशर हाई होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए जिससे कि हम अमोनिया के प्रोडक्शन को, अमोनिया के यील्ड को बढ़ा सकें। दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी कितना प्रेशर होना चाहिए, तो 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए जिसकी वजह से अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब दूसरा है क्या कंडीशन है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 700 केल्विन टेम्परेचर रहेगा तो अमोनिया का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कंडीशन है वो ये है कि हमें आयरन के साथ, मतलब एज ए कैटालिस्ट, हमें एक कोई कैटालिस्ट लेना चाहिए, जैसा कि आयरन के साथ में हम लोग पोटेशियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड को मिक्स कर लेंगे, थोड़े मात्रा में हम पोटेशियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड को लेंगे और आयरन के साथ मिक्स करके इनका हम एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे जिनकी वजह से क्या होगा, अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशन है जिनसे कि अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर प्रोसेस। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस द यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी मैक्सिमाइज, द यील्ड ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, द यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी मैक्सिमाइज अंडर फॉलोइंग कंडीशन, अंडर फॉलोइंग कंडीशन। देखिए पहला क्या कंडीशन है जिससे कि अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, पहला कंडीशन ये है कि हाई प्रेशर, अगर प्रेशर को हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और दूसरा क्या कंडीशन है, कितने कितना प्रेशर होना चाहिए, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए, 200 एटीएम लिख लेता हूँ। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो भी कितना होना चाहिए, 700 डिग्री केल्विन एट टेम्परेचर, सेवन हंड्रेड केल्विन। तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि हमें कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, कैटालिस्ट के इस्तेमाल से भी क्या होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आप सबको कैटालिस्ट के बारे में पता है, कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, लेकिन खुद अपने उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ऐसा होता है कैटालिस्ट, यानी कि दो लोगों के बीच में झगड़ा तो लगवा देता है लेकिन खुद अपने उस झगड़े में सम्मिलित नहीं होता है, तो इस तरीके से कैटालिस्ट है। तो यूज़ ऑफ कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आयरन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सच एज आयरन, आयरन मिक्स्ड विथ
आयरन को हमें किसके साथ मिलाना चाहिए? स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2O एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये तीन कंडीशन हैं जिनकी वजह से अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कंडीशन हैं जिनसे अमोनिया का यील्ड मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो चलिए फिर नए टॉपिक पे नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।